12 साल की जवान लड़की अपने पिता को खाना खिलाने के बाद उन्हीं के बिस्तर पर उन्हीं के कमरे में जाकर लेट जाती है। जब वह पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आता है तो वह देखता है कि उन्हीं के बिस्तर पर उनकी बेटी लेटी हुई है। तो वह अपनी बेटी को जगाकर बोलते हैं कि क्या बात बेटा, आपकी तबीयत खराब है क्या? तो वो कहती है, पिताजी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और कुछ आज मुझे डर सा लग रहा है, इसलिए मैं आपके बिस्तर पे सोना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है फिर सो जा दो। और जैसे तैसे रात आगे की तरफ बढ़ती है, वो लड़की रात में अपने पिता को धीरे धीरे स्पर्श करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये स्पर्श का जो सिलसिला था वह इस कदर आगे बढ़ जाता है कि बेटी या भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं और पिता या भूल जाता है कि यह मेरी बेटी है। उसके बाद उन दोनों के बीच ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब यह बात आस पड़ोस में पता चलती है और पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल जाती है, तो लड़की कुछ इस कदर ऐसा कदम उठाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा नाम है विकास ठाकुर। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वह है मध्य प्रदेश के सागर से लेके वहाँ का रहने वाला प्रेमलाल, जिसकी उम्र होती है करीब 45 साल। उसकी जो एक बड़ी लड़की थी जिसकी उम्र थी करीब 21 साल, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, और एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र थी 15 साल, और एक छोटा लड़का था जिसकी उम्र भी करीब 10 साल के आसपास थी। पत्नी की करीब 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। इनका जो परिवार था माँ के गुजर जाने के बाद भी अच्छा खासा चल रहा था, तो प्रेमलाल ने निश्चय किया कि क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। जो बच्चे हैं वह भी अभी हमारे छोटे छोटे हैं, जिससे उनको नई पत्नी आएगी और अच्छे से उनका ख्याल रखेगी। यह बात जब बड़ी बेटी को पता चलती है कि मेरे पिताजी दूसरी शादी करने वाले हैं, तो उसको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद जो दूसरी माँ आएगी वो कैसे निकलेगी, हमारा ख्याल रखेगी भी या नहीं रखेगी। यह सब बातें उसके मन में उमड़ रही थी। तभी वो एक दिन जब स्कूल जाती है तो इस बात को लेकर अपनी सहेली से वो चर्चा करती है कि मेरे पिताजी दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वह अभी छोटे हैं, इसलिए मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो जो उसकी सहेली कहती है वो उसे बताती है।